गुड मॉर्निंग एवरी वन, वेलकम बैक टू योर ओन रियल होम मेकिंग चैनल। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे, बहुत खुश होंगे। आज सैटरडे है, अभी मॉर्निंग है, तो आज मैं आप लोगों के साथ अपना वीकेंड मॉर्निंग रूटीन शेयर करूंगी। और थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ कल का दिन क्या हुआ मेरे साथ। कल मॉर्निंग में मैं आराम से उठी, अंशुल को मैंने लंच वगैरह बना के दिया, अंशुल ऑफिस निकल गए फ्राइडे को, तो ऑफिस होता है वो ऑफिस निकल गए। और उसके बाद मेरे पास 10-15 मिनट थे, मैं आराम से बैठी हुई थी अपने काउच पे, अपना पैर आराम से ऊपर करके एंड ऐसे ही ब्राउज कर रही थी वीडियोस। और मेरा राइट वाला लेग ना बहुत ज़ोर से सो गया। फिर जब मैंने टाइम देखा घड़ी में 7:45 हो गया था, मुझे लगा अब मैं गोविंद को उठाती हूँ, उसको स्कूल वगैरह लेके जाना है। तो मैं उठी और चलने लगी, पैर सोया हुआ था तो सेंसेशन नहीं हो रही थी कि मैं कैसे पैर रख रही हूँ। एक बार मेरा पैर थोड़ा सा मुड़ा, थोड़ा सा चलते ही, लाइक 2-3 कदम रखते ही, फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, चलते चलते ये ठीक हो जाएगा। नॉर्मल होता है ना, जब पैर सो जाता है हम चलते रहते हैं वो ठीक हो जाता है। जैसे ही मैं अपने बेडरूम में एंटर कर ही रही थी, एकदम से मेरा पैर इतनी ज़ोर से ऐसे ट्विस्ट हो गया और मैं तुरंत उस ट्विस्ट होने की वजह से गिर गई। और बस गिरने के बाद लिटरली इतना ज़्यादा पेन हुआ ना, मतलब ऐसा लग रहा था कि कोई ना कोई फ्रैक्चर हो गया है। मैं 10-15 मिनट ऐसे लेटी रही और एकदम, मतलब इतना एक्सक्रूशिएटिंग पेन था कि ना आँखों से आंसू निकल पड़े। और मुझे लगा लो आज तो हो गया कांड, मतलब अब तो लंबा गया मेरा पैर। बट 10-15 मिनट बाद मैंने अपनी सारी एनर्जी मतलब इकट्ठी की, उसके बाद मैं उठी, क्योंकि मेरे हाथ में फ़ोन वगैरह भी कुछ भी नहीं था, तो मैं कैसे अंशुल को फ़ोन करती या क्या करती। तो मैंने हिम्मत करके उठी मैं, फिर मैं फ़ोन लेकर आई, मैंने अंशुल को फ़ोन किया, बट वो मीटिंग में होंगे तो उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। फिर मैंने सोचा कि अब मैं क्या करूँ, गोविंद को स्कूल भी लेकर जाना है, पैर में काफ़ी ज़्यादा पेन था, लाइक पैर धीरे धीरे मैं देख रही थी स्वेल भी करता जा रहा था। तो फिर थोड़ी सी हिम्मत जुटाई, बस अपना ब्रेकफास्ट बनाया, गोविंद का ब्रेकफास्ट बनाया, किसी तरह उसे खिला पिला के नहला के स्कूल ले गई। स्कूल के बाद स्कूल में भी माय लेग वाज लाइक पेनिंग, बट अगर मैं स्टैटिक रख रही थी तो पेन नहीं कर रहा था। तो मैं अच्छे से गर्म सॉक्स वगैरह पहन के गई थी कि ठंड का एक्सपोजर ना हो, और गर्म रहेगा पैर तो शायद स्वेलिंग कम हो जाएगी। फिर मैंने स्कूल से अंशुल को फ़ोन किया कि मेरे को ऐसे ऐसे पैर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है एंड मैं क्या करूँ, क्योंकि हम लोगों ने ना काफ़ी दिन से प्लान कर रखा था कि कल हम MVD जाएंगे, मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट, क्योंकि मुझे अपना लाइसेंस रिन्यू कराना था, तो वो भी प्लान था हमारा। फिर अंशुल ने बोला कि अब तुम लोग वेट करो स्कूल में ही, क्लास जब ओवर हो जाएगी देन आई विल कम। तो अंशुल आए वहाँ, उसके बाद हमें पिक किया, फिर उन्होंने बोला कि चलो चलो घर चलो, तुम्हारा लेग तो मतलब लग नहीं रहा है कि तुम चल पाओगी, और MVD में तो इतनी ज़्यादा भीड़ रहती है, लाइन लगी रहती है। फिर भी मैंने कहा कि यार ऐसे डेली डेली तो आप छुट्टियां नहीं ले सकते ना ऑफिस से, फिर अभी आप अभी लेकर चलो, कोई बात नहीं, आई कैन हैंडल, इतना ज़्यादा पेन नहीं है, अभी मैंने बूट्स पहने हुए हैं तो ज़्यादा पता नहीं चल रहा, और मैं खिसक खिसक के चले जाऊँगी। तो समहाउ वो मान गए और फिर MVD गए हम, वहाँ पे अपना लाइसेंस वगैरह रिन्यू करा के हम करीबन 3 बजे घर आए। फिर फटाफट से अंशुल भागे CVS, मेरे लिए कुछ सिकाई करने के लिए कुछ लेकर आना था, या तो हॉट या कोल्ड सिकाई करनी थी, तो उन्होंने वहाँ पे फार्मासिस्ट से पूछा और उन्होंने बोला कि अगर कहीं पे भी तुम्हें स्वेलिंग आ जाती है ना तो फॉर 48 आवर्स आप कोल्ड प्रेसिंग करें। तो वो कोल्ड पैड्स लेकर आए, काफ़ी मैंने सिकाई वगैरह की, और सिकाई करने के बाद ना एक्चुअल में बहुत ज़्यादा पेन में रिलीफ मिला। फिर मैंने क्रैप बैंडेज अपने पैर में लगाई और शाम को मैं बस ऐसे ही रिलैक्स करती रही, पूरा टाइम मैं सोफा पे बैठी रही। कल फिर मेरे हबी ने पूरा शाम का किचन का देखा, चाय डिनर सब कुछ उन्होंने हैंडल किया, और फिर मैं कल ना जल्दी भी सो गई थी, आई थिंक 9:00 आई स्लेप्ट। तो ये हुआ, और बस कल का दिन इतना ट्रॉमेटिक था ना, मतलब मुझे डर लग रहा था कि अगर कुछ मेजर हो जाए या फिर अगर हेयरलाइन फ्रैक्चर भी हो जाता ना पैर में, तो इट वुड हैव टेकन लाइक 20 डेज टू हील अप। एंड आप सब तो जानते हो यहाँ पे कोई भी सेकेंडरी हेल्प नहीं होती, मी एंड माई हस्बैंड आर सोलली रिस्पॉन्सिबल फॉर everything, लाइक ग्रोसरीज, गोविंद का सारे काम, घर के सारे काम हम सब बस दोनों मिलके करते हैं। तो बस बाय गॉड्स ग्रेस ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, मेरा पैर अब तो काफ़ी ज़्यादा ठीक है। मैं जल्दी सो गई थी तो फिर नींद भी खुल गई थी, मैं उठ गई और फटाफट से जाके शावर वगैरह करके अब मैं काफ़ी अच्छा फ्रेश फील कर रही हूँ। बट अभी थोड़ी देर बाद ना क्रेप बैंडेज लगा लूँगी, उससे काफ़ी ज़्यादा जल्दी आराम मिलता है और स्वेलिंग भी काफ़ी चली गई है। तो मैंने इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया था और काफ़ी लोगों ने पूछा क्या हो गया, तो मैंने सोचा कि मैं वीडियो में आप सभी लोगों को बता दूँगी। थैंक यू सो मच, आप लोग इतना प्यार इतना कंसर्न शो करते हैं ना, आई लव यू ऑल। तो बस ट्रैजिक डे था, बट चलो ज़्यादा कुछ मेजर नहीं हुआ, दैट इज़ द गुड थिंग।
तो अब चलते हैं किचन में, ब्रेकफास्ट बनाते हैं। मैंने सोचा है आज मैं मूंग दाल चीले बनाऊंगी, थोड़ा सा हेल्दी होता है। और लास्ट टाइम जब मैंने बनाए थे तो आप लोग बोल रहे थे कि इसकी रेसिपी शेयर करना, तो वीकेंड पे ही ऐसा स्पेशल सा ब्रेकफास्ट बनता है। तो कल मैंने अंशुल को बोल के दाल भिगा ली थी और अब चलती हूँ मैं ब्रेकफास्ट बनाती हूँ। ये मेरा पनीर है जिसे मैंने कल रात में बाहर निकाला था फ्रीजर से डिफ्रॉस्ट करने के लिए। तो इस तरीके से मैं इसे हाफ हाफ कट कर लेती हूँ और हाफ मैं कट करके ग्लास कंटेनर में अपने फ्रीज में स्टोर कर लूंगी और हाफ जो है मैं फॉइल पेपर में रैप करके वापस फ्रीजर में रख दूंगी। इस तरीके से ये बड़ा वाला ब्लॉक जो है ना पनीर का खराब भी नहीं होता और हर बार जब आप यूज करेंगे ना तो आपको फ्रेश पनीर मिलेगा। थोड़ा सा पनीर मैंने निकाल लिया है जो मैं आज यूज करने वाली हूँ। तो बस ये दोनों जाने वाले हैं फ्रिज एंड फ्रीजर में। और यहाँ पे मेरी दाल भी अच्छे से भीग गई है, मैंने इसे ओवरनाइट सोक करा है। तो इसे मैं अच्छे से वॉश करके एक ब्लेंडर में डाल लूंगी और साथ में उसके मैं 2 ग्रीन चिलीज और एक छोटा सा टुकड़ा जिंजर का भी डाल के अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी। जब भी आप दाल के चीले बनाएं और अगर आपको मन है तो आप बैटर को बना के स्टोर भी कर सकते हैं फ्रिज में फॉर गुड 3 to 4 days। बट आप एक बात का ध्यान रखिएगा कि जब आप बैटर बनाते हैं तो उसमें सॉल्ट मत ऐड करिए, सॉल्ट ऐड करने के बाद आप उसे स्टोर नहीं कर पाएंगे। तो इस तरीके से मैंने दाल और कटा हुआ अदरक और हरी मिर्च ब्लेंडर में डाल के थोड़ा सा पानी ऐड करके इसे मैं ब्लेंड कर लूंगी। सॉल्ट बस मैं उतने ही बैटर में मिलाऊंगी जितना मैं आज यूज़ करने वाली हूँ, अदरवाइज जो बैटर है वो मेरा पूरा ख़राब हो जाएगा। तो जो स्टोर करने वाला है वो मैं अलग से निकाल के रख दूंगी। तो यहाँ पे देखिए मेरा बैटर अच्छे से बन गया है। अभी थोड़ा सा थिक है तो सेम ब्लेंडर में मैं थोड़ा सा पानी डाल के इस बैटर में मिक्स कर लूंगी। इस बैटर को बहुत ज़्यादा फर्मेंटेशन की ज़रूरत नहीं होती है, आप बस 10 से 15 मिनट बैटर बना के छोड़ दें और आप देखेंगे जालीदार इतने बढ़िया से चीले आपके बन के इसमें बन जाएंगे। तो अभी बैटर सेट हो रहा है, तब तक मैं अपने फिलिंग की तैयारी कर रही हूँ। आप चाहें तो बैटर में ही प्याज और भी सारी वेजीज मिला सकते हैं, बट आज मैं थोड़ा सा डिफरेंटली बना रही हूँ। तो मैंने पनीर को ग्रेट करके उसके अंदर कैप्सिकम और अनियन ऐड किया है और ऊपर से थोड़ा सा चाट मसाला, और ये फिलिंग मैं बीच में भरूंगी। आपने कभी शादियों में खाया होगा दाल का चीला जो चटपटी चटनी के साथ सर्व होता है, वैसा ही कुछ मैं बनाने का कोशिश कर रही हूँ। तो ये पनीर की फिलिंग मैं आज चीले के बीच में फिल करने वाली हूँ जो कि बहुत टेस्टी लगता है खाने में। और इमली की चटपटी चटनी तो नहीं, बट मैंने धनिया पुदीने की चटनी बनाई है इसको सर्व करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए मैंने जो बैटर आज मुझे यूज़ करना है वो एक अलग बाउल में निकाल लिया, उसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा हींग और नमक। हींग भी बहुत ही अच्छा डाइजेस्टिव है और आप सभी जानते होंगे ये मूंग दाल बहुत अच्छी रहती है। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन का इशू होता है तो सबसे पहले डॉक्टर्स बोलते हैं कि मूंग दाल खाओ, बहुत अच्छा रहता है आपके टमी के लिए भी। और अगर बच्चे ये चीला खा लें तो बस समझिए बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है उन लोगों के लिए भी। तो सबसे पहले मैं गोविंद का चीला ही बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। मैं चीले जनरली अपने मस्टर्ड ऑयल में ही बनाती हूँ, मुझे मस्टर्ड ऑयल वाले चीले बहुत अच्छे लगते हैं। तो बस थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल लिया, ग्रीस किया पैन को और ये देखिए छोटा सा चीला मैंने इस पे फैला दिया। मीडियम फ्लेम पे अब मैं इसे दोनों साइड से अच्छे से कुक कर लूंगी। ये देखिए कितना अच्छा ब्राउन ब्राउन सिका है ये, और जब ये दोनों साइड से सिक जाएगा तब अब इसके बीच में मैं ये अपनी पनीर की फिलिंग भी लगा दूंगी इस तरीके से। और बस इसे थोड़ा सा मोड़ कर थोड़ा सा प्रेस कर लूंगी और गोविंद को इसे मैं केचप के साथ सर्व करने वाली हूँ। तो ये देखिए मेरे गर्मा गर्म हेल्दी चीले तैयार हैं, इसे मैंने हरी चटनी के साथ सर्व किया है। और मॉर्निंग में थोड़े से आलमंड्स एंड वॉलनट्स खाना बहुत ज़रूरी होता है। और चाय है गर्मा गर्म सर्दी वाली और आज मैंने अपने फ्लोरल कप निकाले हैं तो इसमें मैं चाय इंजॉय करने वाली हूँ। आराम से दबाते हुए तो दर्द नहीं हो रहा ना? नहीं, अब कम है कल से तो। मुझे पूरी उम्मीद थी कल से कम होने वाला है। उस दिन देख के समझ में आता तुम चल पा रही थी यार, तुम पैर रख पा रही थी, पैर रख रही है उसका मतलब तुम्हारे पैर कुछ टूटा नहीं है। जैसा स्प्रेड रेडी
टाइट होगा, कितना टाइट बताना मेरे को। आज के चीले बहुत अच्छे बने थे, मैंने तो 3 चीले खाए। 2 खाने के बाद ना मन कर रहा था कि एक और मिल जाए गर्मा गर्म, तो फिर अंशुल बोले तुम बैठो आराम से और मैं बना के लाता हूँ। तो उन्होंने मेरे लिए गर्मा गर्म चीला बना दिया और खाने के बाद ना एकदम अंदर से ऐसा अच्छा वाला फील हो रहा है कि शादी वाले बढ़िया से चीले जो दाल के शादी में मिलते हैं ना वैसे हमने खा लिए। और इतने हैवी होते हैं ना कि आराम से अब आपका चल जाएगा, 1 बजे तक तो मुझे लगता है कि कोई भूख नहीं लगने वाली। और अंशुल अभी गोविंद को लेकर गए हैं, उनको अपना गैस वगैरह फिल कराना था कार में, तो वो गोविंद को भी ले जाते हैं अपने साथ ना वीकेंड पे, जिससे कि मुझे थोड़ा सा अपना टाइम मिल जाए। और वो मुझे स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस देकर गए हैं कि तुम अपना क्रैप बैंडेज पहन के अब आराम से बैठी रहो, कुछ काम वाम करने की ज़्यादा चलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उन्हें भी डर है ना कि अगर अंदर से कुछ और ना वैसे ब्रेक हो जाए तो ज़्यादा प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि तुम बैठो, चिल मारो और बाकी के सारे काम मैं वापस आके कर लूँगा। तो बस आज कुछ काम नहीं है, मैं अपनी बैठ के थोड़ी देर बुक रीड करूँगी। और गोविंद, आपने देखा ना जब अंशुल मेरे क्रैप बैंडेज लगा रहे थे तो गोविंद भी करना चाह रहा था। बच्चे ना बहुत सेंसिटिव होते हैं, कल पूरा दिन जैसे मुझे पेन हो रहा था ना तो बार बार मेरे पैर को आके पुच्छी कर रहा था, क्योंकि अगर उसको कभी कहीं पे पेन होता है या वो गिर जाता है ना तो हम उसे उठा के पुच्छी करते हैं और फिर पूछते हैं कि गोविंद पेन खत्म, तो वो बोलता है हाँ खत्म। तो ऐसे लगता है कि जहाँ पे पेन हो रहा है ना वहाँ पे अगर पुच्छी कर दो तो पेन खत्म हो जाएगा। तो बार बार मेरे पैर को आके चूम रहा था और पूछ रहा था मम्मा पेन खत्म, मम्मा पेन खत्म, एंड इट वॉज सो नाइस। और पता है मेरा फ़ोन उठा के ना कह रहा मैं डॉक्टर को फ़ोन कर रहा हूँ, आज मैं आपको डॉक्टर को फ़ोन करके और दिखा के ले आऊँगा, फिर डॉक्टर आपको मेडिसिन दे देंगे। तो बच्चे भी बहुत फील करते हैं, इट इज़ गेटिंग बेटर ऑलमोस्ट, मुझे लगता है कि 50% मुझे आराम मिल चुका है, बट अभी भी थोड़ा सा पैर को ड्रैग करके चलना पड़ रहा है। तो बैठे बिठाए ना आफत आ जाती है, कुछ नहीं होता, बस पता नहीं चला कि एकदम से पैर मुड़ गया और ये सब बखेड़ा खड़ा हो गया। अंशुल और गोविंद जस्ट लौटे अपनी कार को फिट करा के। हम लोग ना कार में गैस भी कॉस्को से लेते हैं, बिकॉज अगर कॉस्को का मेंबरशिप कार्ड है ना आप लोगों के पास तो वहाँ पे गैस काफ़ी चीप मिल जाती है कंपेयर टू अदर गैस स्टेशन। तो हम लोग कॉस्को पे ही जाते हैं अपनी कार का गैस वगैरह फिल कराने, या कार की कोई भी एसेसरी भी लेनी होती है ना तो अगर वो कॉस्को पे अवेलेबल है तो हम कॉस्को एक रिलायबल स्टोर है जहाँ से हम सब कुछ बाय करते हैं। तो मेरे को भी अपने घर का थोड़ा बहुत सामान मंगाना था जो मैंने इन लोगों को लिस्ट बना के दे दी थी और ये लोग मेरे लिए बाय करके ले आए। तो मैं तो कहीं नहीं गई, मैं तो बस आराम से बैठी हुई थी, मेरा सामान भी घर पे आ गया। तो मैं क्विकली आपको दिखा देती हूँ कि ये लोग क्या क्या लेकर आए हैं। तो मैंने एक ये बड़ा सा स्पिनच का बैग मंगाया है, ये ट्रिपल वॉश्ड है 1.14 kg का। और बेस्ट पार्ट इसमें ये है कि इस यहाँ पे ना एक जिपर लगा रहता है, तो जितना यूज़ करना है यूज़ करो और उसके बाद आप जिप लगा के वापस फ्रिज में से अच्छे से स्टोर कर सकते हो। उसके बाद मैंने एक ग्रेप्स का डब्बा मंगाया है, काफ़ी बड़ा सा ग्रेप्स का डब्बा है ये, गोविंद को काफ़ी अच्छे लगते हैं ग्रेप्स, तो ग्रेप्स मंगाया। और ये अंशुल खुद से ट्राई करने के लिए लाए हैं एवोकाडो ऑयल स्प्रे, देखते हैं ये कैसा होगा, इसका रिव्यू मैं आपको जब यूज़ करूँगी तब बताऊँगी। और एक मुझे सैफ्रन चाहिए था, तो ये देखिए कर्कलैंड का आपको कॉस्को पे इस तरीके का सैफ्रन भी मिल जाता है, काफ़ी क्यूट पैकेजिंग है ना इसकी, मुझे बहुत अच्छा सा लगा देखने के बाद ये। और एक बॉडी वॉश चाहिए था, ख़त्म हो रखा था, तो डव का, वैसे हम लोग ओले का यूज़ करते हैं बट आज अंशुल बोल रहे थे कि इस पे ज़्यादा डिस्काउंट था तो ये डव का लेकर आया है, डव का भी काफ़ी अच्छा होता है, हमने यूज़ किया है पहले। और ये कोको विटा इस बार मैंने कॉस्को से मंगाया, बिकॉज जब मैंने अभी हॉल किया था पटेल ब्रदर्स का तो आप लोगों ने बताया कि ये कोको विटा वहाँ कॉस्को पे भी मिलता है, तो मैंने सोचा चलो इस बार कॉस्को से मंगा लेती हूँ। और काफ़ी ज़्यादा अच्छी पैकेजिंग है, बड़ा सा पैक है, आई थिंक 18 पीसेज हैं इसके अंदर, 18 ऐसे
डब्बे हैं इसके अंदर। YouTube का बेस्ट पार्ट आपको पता है मुझे क्या लगता है कि इस प्लेटफॉर्म पे अपने एक्सपीरियंसेस तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती ही करती हूँ, साथ में जब मैं वीडियो शेयर करती हूँ तो आप लोगों के रिकमेंडेशंस भी मुझे मिलते हैं। जब मैंने US का ग्रोसरी हॉल शेयर किया था तो आप लोगों ने मुझे सजेस्ट किया था कि कोको बेटा आप कॉस्को से ट्राई कर सकते हो, तो मैंने सोचा वाई नॉट यार, अगर कॉस्को पे मिल रहा है तो सर्टेनली वो अच्छे दाम पे मिलेगा। तो आज मैंने कोकोविटा वहाँ से मंगाया और भी बहुत सारे यूजफुल कमेंट्स ना डे टू डे बेसिस पे आते रहते हैं। एंड दिस इज़ व्हाट आई रियली लाइक अबाउट दिस प्लेटफॉर्म कि यहाँ पे ना टू वे कम्युनिकेशन होता है, आपके एक्सपीरियंसेस मुझे मिलते हैं और मेरे एक्सपीरियंसेस आपको मिलते हैं, तो आदान प्रदान होता रहता है नॉलेज का। और ये देखिए कितनी क्यूट पैकेजिंग है, एंड सिंस ये कर्कलैंड ब्रांड का है तो फॉर श्योर अच्छा ही होगा, क्योंकि इस ब्रांड की काफ़ी सारी चीज़ें हम यूज़ करते हैं डे टू डे बेसिस पे, सभी अच्छी ही निकलती हैं। तो अब हम लंच बना रहे हैं और लंच में मैंने तुअर दाल में बस हल्दी और नमक डाल के सीटी लगाई है और उसका तड़का अभी मैं बना रही हूँ। आज बिना प्याज बिना टमाटर वाला तड़का बन रहा है, तो घी में थोड़ा सा हींग जीरा और कश्मीरी रेड चिली पाउडर बस मैंने ऐड किया और ये तड़का गया दाल में। कभी कभी इस तरीके की सिंपल दाल भी बहुत अच्छी लगती है खाने में। तो आज बहुत ही ज़्यादा सिंपल लंच है, सिर्फ दाल और रोटी बन रही है, बिल्कुल बेसिक सी, और ऊपर से थोड़ा सा हरा धनिया मैं कट कर दूंगी। आज मैंने चॉपिंग बोर्ड भी नहीं निकाला क्योंकि कोई सब्ज़ी मुझे चॉप करनी ही नहीं थी, तो डायरेक्ट मैंने धनिया भी इसी तरीके से अपने कुकर में ही चॉप करके डाल दिया। और अभी मैं फटाफट से सबके लिए गर्मा गर्म फुलके तैयार कर लूँगी। और लास्ट वीकेंड ना हम लोग शेफोरा गए थे एक बारी बस ऐसे ही ब्राउज करने, तो मुझे ये लिव इन कंडीशनर दिखाई दिया लिविंग प्रूफ का। मुझे चाहिए होता है लिव इन कंडीशनर ना, क्योंकि मेरे बाल बहुत ज़्यादा फ्रिजी हो जाते हैं अगर मैं बस खाली शैम्पू करके छोड़ दूँ और कंडीशनर लगा लूँ ना, जो नॉर्मल वाले कंडीशनर्स आते हैं जैसे डव वगैरह का, तो बहुत ऑयली हो जाता है। तो मैं इस टाइप का लिव इन कंडीशनर यूज़ करना प्रेफर करती हूँ, तो ये मैंने लिया था शेफोरा से लिविंग प्रूफ का, काफ़ी अच्छा सा है। मैंने दो बार यूज़ ऑलरेडी इस वीक कर लिया है, आज भी यूज़ किया था तो मुझे ठीक लगा ये, और कुछ भी नहीं लेकर आई शेफोरा से। मेरे को कुछ ना ऐसा लगा कि डील अच्छी है ही नहीं कोई भी, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छा डील में मिल रहा हो तो ले लो। फिर मुझे लगा कि अब जब कुछ डील में ही नहीं है तो जब चाहिए होगा फिर मैं तभी लूँगी, अननेसेसरीली अभी सारे पैसे यू नो स्पेंड करके क्या फ़ायदा। और अभी मैं थोड़ा सा टीवी देखूँगी बैठ के, अंशुल अपना कुछ काम कर रहे हैं यहीं पर बैठ के। मुझे ना ये पाकिस्तानी सीरियल्स देखना बहुत ज़्यादा पसंद है, एक हम सफ़र है, एक ज़िंदगी गुलजार है, इट इज़ लाइक इन माई टॉप लिस्ट जो मैं कभी भी देख सकती हूँ। पता नहीं मैंने उसे कितनी बार रिपीट टेलीकास्ट पे देख लिया है, बट मुझे बहुत अच्छे लगते हैं ये सीरियल्स ना। मैंने 2015 में देखा था ज़िंदगी गुलजार है, मुझे अच्छे से याद है। मेरी एक फ्रेंड ने मुझे फवाद खान के बारे में बताया था एंड आई वेंट क्रेज़ी। मैंने एक के बाद ज़िंदगी गुलजार के सारे एपिसोड्स, आई थिंक 24 एपिसोड्स हैं, मैंने आई थिंक 3-4 दिन में सारे ख़त्म कर लिए थे। और उसके बाद तो मुझे ना पाकिस्तानी सीरियल्स का क्रेज़ चढ़ गया था, जितने भी पाकिस्तानी सीरियल्स उस टाइम तक थे ना वो मैंने ऑलमोस्ट सारे देखे, मुझे तो अब नाम भी याद नहीं है। बट अनफॉर्चुनेटली अंशुल को बिल्कुल पसंद नहीं है, तो जब अंशुल घर पर होते हैं ना मैं जनरली ये सीरियल्स देखती नहीं हूँ, बट आज वो बिजी हैं अपने किसी काम में तो मेरा टीवी देखने का मन कर रहा है तो मैं यही वाला एपिसोड देखूंगी। तो आज का व्लॉग यही था, होप करती हूँ आपने ये छोटा सा व्लॉग इंजॉय किया होगा। अगर इंजॉय किया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है ना तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग, एंड इस फैमिली का हिस्सा आप बन जाइए, हमारे साथ कनेक्ट हो जाइए। एंड थैंक यू सो मच फॉर शावरिंग सो मच लव एंड ब्लेसिंग्स ऑन अस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर से मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए आप ढेर सारा अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, बाय।